आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हाय स्टूडेंट्स सो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 7 की पोम गार्डन स्नेक करेंगे जो कि किसने लिखी है मरियल एल सोने ने लिखी है सो लेट्स सी कि इस पोम के अंदर मोहमे गार्डन स्नेक के बारे में क्या बताने वाले हैं हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग मॉंगूस और गेटिंग इन टू अल और स्विमिंग इन रो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी कोई स्नेक देखा है जो कि एक मोंगूव के साथ मतलब एक नेवली के साथ फाइट कर रहा हो या किसी बिल के अंदर जा रहा हो या नदी मतलब पार कर रहा हो तैर के एवरी वन ऑलमोस्ट एवरी वन बिलीव दैट स्नेक आर डेंजरस मतलब हर कोई मतलब हर कोई ऑलमोस्ट ये ही मानता है कि जो सांप होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं सम आर मोस्ट आर नॉट कुछ होते हैं पर सारे नहीं होते मोस्टली नहीं होते रीड दिस पोम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक तो ये जो पोम है ये एक हार्मलेस गार्डन स्नेक के ऊपर है जिससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी कोई भी हार्म नहीं होगा उस गार्डन स्नेक के ऊपर ये है आई सॉ स्नेक इन रैन वे सम स्नेक्स आर डेंजरस दे सी तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो कहते हैं मैंने एक स्नेक को देखा और मैं वहां से भाग गया क्योंकि सभी लोग क्या कहते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं भयंकर होते हैं डरावने होते हैं और हार्मफुल होते हैं

तो मैंने क्या किया मैं वहाँ पे साइड में एकदम खड़ा हो गया और उसे पास होते हुए देखने लगा एंड टेल माई सेल्फ देर इज़ नो मिस्टेक इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नैक और फिर मैंने अपने आप को कहा कि आ, मैंने कोई गलती नहीं की और ये सिर्फ एक हार्मलेस गार्डन स्नैक है जो कि इंसेक्ट्स ही खाता है ग्रास में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो और इससे मुझे कोई भी डरने वाली बात नहीं है तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यूजुअली स्नेक के नाम से हमें एक अलग तरीके का डर आ जाता है हम उसे हार्म करने की कोशिश करते हैं पर एक स्नेक आपको तब तक, तक हार्म नहीं करता जब तक आप उसे डर नहीं लग रहा जैसे ही उसे डर लगेगा वो आपको अटैक करेगा अपने आप को बचाने के लिए पर यहाँ पे जिस गार्डन स्नेक की बात हुई है ये बिल्कुल हार्मलेस है और ये इंसेक्ट्स खाता है जो भी ग्रास में होते हैं